ले लीजिए 100 का, ये सब देखिए सब 100 का है। देखिए इतने अच्छे अच्छे सामान लाया ये भैया ने, देखिए सब। एक दुख की बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको पागल कुत्ते ने खाता है। इसका एज जो है 115 हो चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से अगर नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं सुबह सुबह बाजार में आ चुकी हूँ और यहाँ पे ड्राई फिश, यहाँ से ड्राई फिश ले लेती हूँ। एक्वा अरे साहब कैसे दे रहा है? ज्यादा दाम नहीं। कितना है बोलो? 150 रुपया। 150 रुपया सीधा ले जाओ। कितना है एक किलो? कितना है बोलो? तो दोस्तों मैं यहाँ से एक पुआ ले लेती हूँ ड्राई फिश, नरम वाला देख देख के लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं ड्राई फिश और सीधल मास ले लिया था, एक पुआ आधा किलो दोनों मिला के। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लोकल एकदम सब लोकल ऑर्गेनिक है। और यहाँ से हम लोग का लैंग्वेज ये बोलते हैं, हम लोग लैंग्वेज यहाँ से एक बक ले लेते हैं। मेरे एक बक खुली जाते और दोस्तों देखिए यहाँ पे टमाटर यहाँ से 1 किलो ले लेती हूँ, लोकल ऑर्गेनिक है सब। लोकल ऑर्गेनिक टमाटो टाटी लोकल ऑर्गेनिक लीजिए। ये 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 भी पूरी मिले। और देखिए ये क्या है? सीबे वाला ते पूरा भी नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं पूछते थे। ये वाला ते जिकुने माना। और देखिए दोस्तों यहाँ से ले लिए 1 किलो टमाटर, एकदम लोकल ऑर्गेनिक टमाटर। यहाँ पे देखो पैसा भी पैसा दे देती हूँ। और दूसरे दुकान पे जाके देखते हैं क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं। कैसा दे रहा है मिर्ची? बोल कैसा दे रहा है? सुखावा मिर्ची कितना दे रहा है बोलो? दोस्तों ये इतना महंगा बेचता है, हमसे पूरा 110 ले लिया है। खुआ का लोग 90 रुपये में दे रहा है, ये 110 लिया है। देखो यहाँ से मस्ता वगैरह ले ली, यहाँ पे 10 रुपये पकस कर। दूसरा नहीं है क्या? इतना कचरा ये तो चलेगा, 10 का नोट चलेगा। दूसरा दे दो ना होने से। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब लोकल ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा लोकल शाक लाया है, लौकी शाक है और पंपकिन का शाक और मूली का सीड भी लाया है। हम यहाँ पे रुक रहे हैं लेने के लिए, अभी निकल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों सब लोकल है, लोकल लोकल ऑर्गेनिक। हम यहाँ से मूली का सीड ले लेंगे। ये नहीं तो आती है अहूर दिया तुम बनाना हो लोते हो जो बेटा कुछ दिन ओई यार दी बना लियो आरो बनाते सिगन हा दबे मुलो मुलो बना गुन मुलो बिजी बना गुन आ बत्ती ना ओ दे मरे मरे यदि कबरे दे ओ बोलो बताई। यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा मिलता है ना 10 का। यहाँ पे देखिए इतने सारे यहाँ पे, यहाँ से 10 का ले लिया है मैंने। ई बे आजकल आलू का बहुत महंगा पड़ गया है। देखिए यहाँ पे आलू बेच रहा है 2 किलो 50, बहुत महंगा हो चुका है अभी, है ना? लेना तो पड़ेगा, उपाय नहीं है, हम ले लेते हैं 2 किलो। यहाँ से आलू ले लेती हूँ 2 किलो दोस्तों। अच्छा दिख रहा है ना, लोकल दिख रहा है इसलिए ले रही हूँ। लोकल है, लोकल है। हाँ लोकल है ना। खराब वाला मत दो रे। तो दोस्तों मैंने आलू भी ले लिया है, अभी मुझे छूटा लेना पड़ेगा, छूटा दुकान में जाना पड़ेगा, वहाँ से छूटा ले लेगा। हम शेविंग करने के लिए छूटा चाहिए होता है ना, वो ले लेगा। मैं यहाँ से सूटा ले लिया है। यहाँ पे देखिए 130 का ले लिया है। अभी यहाँ से चलते हैं। दोस्तों मैं अभी पहुँच चुकी हूँ बिस्तर वाले के दुकान पे और यहाँ पे देखिए यहाँ से एक तो ले लेती हूँ ताती का। ये कितना है अंकल? ताती का है ना? यहाँ से एक तो ले लेती हूँ, ये मेरा फेवरेट बिस्कुट है। देखिए
दस रुपया वापस करो। दस लाख बने लीजिए। नहीं लेगा कुछ ना नहीं। होगा कुछ ना, क्यों नहीं होगा रे। और रास्ता मेरा सतंग बगड़ा हो चुका है, मार्केटिंग हो चुका है, पैसा भी खत्म हो गया। अभी बस देखते ही रह जाए, पकड़ काली हो गया मेरा। देखो तो भैया को रुकना पड़ेगा अभी, मेरा तो मार्केटिंग हो चुका है, उसको हुआ के लिए वहाँ देखना पड़ेगा। वो आने से ही निकल जाएंगे हम अच्छे तक घर की हो। यहाँ से देखो जो जमा को दोस्तों, यहाँ पे इतने सस्ते सस्ते मिलते हैं, ये सब 100 का है। देखिए इतने अच्छे अच्छे बैग लाया है ये भैया ने, देखिए पूरा का पूरा सस्ते है। यहाँ पे 100 में दे रहा है सब, ले जी 100 100। ये मामी ले रही है 100 का एक तो बैग। आइए दोस्तों ले लीजिए 100 का, ये सब देखिए सब 100 का है। देखिए इतने अच्छे अच्छे सामान लाया ये भैया ने, देखिए सब 100 का है। लाइए आइए ले जी 100 100 100। आए मामी आ जाओ ले जी 100 का, इतने अच्छे अच्छे माल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आ जाए 100 100 100 100। हम भैया को हेल्प कर रहे हैं बेचने के लिए, हैं भैया कुछ बोलो। हाँ 100 100 100 100 आइए 100 100 100 100। चप्पल है, बैग है, 100 रुपया हाँ सब 100। यहाँ पे देखिए इतने सारे सामान है, सब 100 का है। इतने अच्छे अच्छे सामान कहीं पे भी नहीं मिलेगा आप लोग को। आइए ले जाइए भैया से 100 100 ये सब। आइए आ जाए। फिर देखिए दोस्तों मेरा सब मार्केटिंग हो चुका है पूरा, देखो एक बैग भी हुआ ही नहीं है, 1000 रुपया चला गया। और यहाँ पे देखिए ड्राई पीस, और ये रहा महाजन, इतने सारे पैसे आपका पैसा खतरा दिखाएगा। देखो इसका बैग पूरा फुल हो चुका है, पैसा ही पैसा, देखिए देखिए के दोस्तों बहुत दुख की घटना है। इसका पाव को थोड़ा दिखाती हूँ, सांगे के नथे अनुत सांगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुत्ते ने काटा है इसको, बहुत दुख लगता है ऐसे देख के। अभी मैं इसको फार्मेसी में लेके आया है, अभी यहाँ से थीटेनस दे देगा। एक दुख की बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको पागल कुत्ते ने काटा है। इसका एज जो है 115 हो चुका है। ये बाजार में कुछ सामान बिकने आया था, यहाँ पे देखिए पूरा खून ही निकल रहा है इसका। मैं इसको अभी फार्मेसी में लेके जाएगा कुछ इंजेक्शन लगाने के लिए। देखिए ये तो देखिए तो ये नानी माँ को मैं यहाँ फार्मेसी से लेके आने के बाद यहाँ पे चाय पिला रही हूँ। अभी आप लोगों को भी जब भी ऐसा मौका मिले ना तो ये लोग को मदद करना, इनकी मदद करना। हमेशा जो मेरा भी बहुत ही दुख लगा है जो मैं इसी आदमी को इसलिए मदद करने को मिला है। इसका एज जो है 115 से ज्यादा हो चुका है, फिर भी ऐसा चकता है, कुत्ते ने खाता है इसका, पूरा खून ही खून हो गया। देखो पूरा निकल दीजिए देखिए दोस्तों। इसका पापा जो है ना कुत्ते ने खाता है, तो ये देखो साग सब्जियां कहां कहां से ढूंढ के ला के बेचते हैं, बहुत ही बदनसीब है ये। देख सकते हो इसका एस भी इतना ज़्यादा हो चुका है, फिर भी इतना दूर में आके जो है सब्जियां बेचते हैं। 15-16 किलोमीटर चल के आके जो है ये सब्जियां बेचने आते हैं बाज़ार में। देखिए इसके हालत, बहुत ही दुख लगता है इसे देख के। दोस्तों मैं फाइनली घर में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरा स्वीट होम पे पहुंच गई हूँ मैं। पता नहीं वो लोग कहाँ गया, उसको कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी मैं यहाँ से बिस्कुट खा लेती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाए थे ना इसलिए बहुत भूख लगती है अभी, एक तो निकाल लेती हूँ। देखिए ये वाला बिस्कुट जो है ना मुझे बहुत ही फेवरेट है। पूरा जूता लगा के अंदर में आ गया है,
देखो अभी उसका दोस्त आ चुका है मिस्टर जाम्बूबान और आंशु को बिस्कुट बांट रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखाओ कैसा दोस्तों सप्लाई पानी आ रहा है अभी, कल तो पूरा पानी नहीं आया था क्योंकि कल क्या बोलते धूप नहीं था ना, इसलिए आज तो थोड़ा धूप निकल रहा है, आज थोड़ा धूप है बोल के पानी आ रहा है। देखो सप्लाई पानी इतना अच्छे से नहीं आता है ना, देखो पानी आ रहा है टैप से सप्लाई पानी। मैं अभी ये बर्तन को पूरा फुल कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पानी पूरा फुल हो चुका है, बर्तन में भी सब पे पानी फुल हो चुका है, तो मुझे अभी इसको बंद करके रखना पड़ेगा, इससे पानी को जो है वेस्ट नहीं करना है। यही है मेरा सामान दोस्तों, देखिए ड्राई फिश है, काफी दिन हो गया ड्राई फिश नहीं खा रहे, आज खाऊंगी। शीतल नहीं तो हम नहीं, ड्राई फिश नहीं तो हम नहीं। और देखिए यहाँ पे इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट हम लोग इसे मैंगोनी कहते हैं। वाओ इतना ज़्यादा मिला है दोस्त का, देखिए ना दोस्तों। और यहाँ पे आलू 2 किलो लाया है, गोभी लाया है, उसके बाद ये मूली का सीट लिया है, देखिए ये हस्बैंड के लिए लाया है, इसके लिए लाया है बेचारा, ये बन। हमको जो है ना खाना बना के खिलाता है, इसलिए मैं इसके लिए लाया हूँ। आज तो चिकन वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि इतना खाने का मन नहीं है मुझे। तो देखिए ये वाला ड्राई फिश अभी मैं कटिंग करके यहाँ पे रखूँगी। लस्सी और आलू मिक्स करके बना रही हूँ ड्राई फिश का साथ, और यहाँ पे चावल को दे दिया है, इसलिए खाना रेडी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये है मिंट, हम लोग का लैंग्वेज इसे मैंगनी कहते हैं, और यहाँ पे मूली सीड्स और आलू। तो अभी मैं खाना निकालूंगी, उसके बाद खाना खाएंगे। सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं खाई थी इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी मैं खाना निकालूंगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखो मैं खाना निकाल चुकी हूँ, ये देखो मेरा थाली, अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं। गरम गरम खाना खाने से विटामिन है, अभी खा लेगा गरम गरम। भूख लग रही है, सुबह भी नहीं खाया था, अभी तो 12 बजने वाला हो गया ना, इसलिए तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। देखो मेरा ताली अभी ये फिनिश कर दूंगी। दोस्तों मैं खाना भी खा चुकी हूँ अभी, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेरा वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, होप करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगर नए ब्लॉग के साथ।